नमस्कार दोस्तों, वास्तु ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि जून 2019 चौथे सप्ताह के बारे में। जानेंगे 22 तारीख से लेके 30 तारीख तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं 22, 23 और 24 तारीख से। चंद्रमा आपके कर्म भाव से गोचर करेंगे, जो आपको खूब कर्मठ बनाएंगे। लगन और मेहनत आपकी दिखाई देगी, प्रशंसा भी हासिल करोगे। हालांकि कामकाजी क्षेत्र में काम ज्यादा होगा, लेकिन धैर्य रखोगे तो अंत में रिजल्ट जरूर प्राप्त होगा। प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग भी आज के दिन बनते हैं। आज आलसी से आलसी इंसान भी काम करता नजर आएगा। चंद्रमा आपको काम करने की प्रेरणा देंगे। दोस्तों, ये समय नौकरी से वंचित लोग अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए दिन को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। पढ़ाई में विद्यार्थी भी ध्यान देते नजर आएंगे। दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, आपके सुखों में बढ़ोतरी होगी। चौथे भाव पर दृष्टि भूमि और वाहन का सुख भी आपको दे सकती है। अब बात करते हैं 26 और 25 तारीख की। चंद्रमा लाभ स्थान से गोचर करेंगे, लाभ से भरा दिन होगा। हर तरीके से निवेश करने से आपको फायदा हो सकता है। जन्मभूमि से जितना दूर हो उतना लाभ होगा। आपकी संतान आपके कहे में होगी, संतान सुख प्राप्त होगा। ये समय विद्यार्थियों के लिए बेस्ट साबित होगा। पढ़ाई में ध्यान दे पाओगे, कम समय में ज्यादा विद्या ग्रहण करने की क्षमता भी आपके अंदर नजर आएगी। इस दिन अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही सीरियस नजर आओगे। गुप्त धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ पैसा आपको अचानक से मिल पाएगा। ये समय अगर लव रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हो तो ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। पार्टनर से एक दूसरे को समझेंगे, अगर सिंगल हो तो अच्छा पार्टनर भी मिल पाएगा। अब बात करते हैं 27, 28 और 29 तारीख शाम 4 बजे तक के समय की। चंद्रमा 12वें भाव से गोचर करेंगे, फिजूल के खर्चे इस दिन पर दिखाई दे रहे हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। हालांकि पैसा अचानक से आ सकता है, लेकिन अचानक से कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तोल मोल कर अपने कदम को आगे बढ़ाइएगा। निवेश करने से पहले 10 बार सोचिएगा। यात्राओं से लाभ होगा, लेकिन यात्राएं रुकावटों से भरी होंगी। दोस्तों, ये समय विदेश के लिए प्लानिंग करते हो तो शुभ रिजल्ट मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मुकदमों में भाग दौड़ रहेगी और आपकी सेहत कुछ कमजोर नजर आएगी। अब बात करते हैं 29 तारीख 4 बजे के बाद का समय और 30 तारीख की। चंद्रमा वृषभ राशि से गोचर करेंगे और आपके लिए बेहद शुभ रिजल्ट लेकर आएंगे। हर तरीके से आप जैसा चाहोगे वैसा दिन को व्यतीत कर पाओगे। सुखों में बढ़ोतरी होगी, मित्रों के बीच उठना बैठना रहेगा। ये समय घर में भी कोई मेहमान आ सकता है, जिसकी आप कब से वेट कर रहे थे। दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, साझेदारी के काम से आपको लाभ होगा। ये समय विद्यार्थियों के लिए भी शानदार साबित होगा। मन प्रसन्न रहेगा, पॉजिटिव सोच रहेगी, जोश और उत्साह बना रहेगा। अब बात करते हैं शुभ रंग और अंक की। तो दोस्तों, आपके लिए 22, 23, 24, 25 और 26 को शुभ रंग ब्लैक और शुभ अंक 3 रहेगा। इसके बाद 27, 28, 29 शाम 4 बजे तक शुभ रंग पीला और शुभ अंक 6 रहेगा। 29 4 बजे के बाद का समय और 30 तारीख को शुभ रंग ऑरेंज और शुभ अंक 9 रहेगा। अब बात करते हैं उपाय की। अपने अशुभ दिनों को शुभ बनाने के लिए घर के ईशान कोने में तेल या घी का दीपक जरूर जलाइए। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। अगर घर से जरूरी काम के लिए निकलते हो तो अपनी जेब में छोटी इलायची लेकर निकलिएगा। ऐसा करने से आपके काम चुटकियों में पूरे होंगे। वृषभ राशि के जातक चांदी का सिक्का जेब में लेकर निकलते हैं, तब भी काम आपके जल्दी पूरे होंगे। तो ये था वृषभ राशि वालों के लिए जून 2019 चौथे सप्ताह के बारे में। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।